हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने इकोनॉमिक्स की 9 AM की क्लास में और हम लास्ट क्लास में देखे हुए थे हमारे WTO नॉर्म के बारे में, WTO के बेसिक्स के बारे में बात किए थे और देखा था हम लोगों ने क्या कुछ है बेसिकली WTO से रिलेटेड, कैसे WTO आया, गेट क्या चीज थी एंड ऑल दैट। इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग कुछ और भी वीडियोस देखेंगे, कुछ और भी क्लासेस देखेंगे। आज की क्लास बेसिकली हम लोग देखेंगे WTO में क्या कुछ नॉर्म्स है, प्रोविजंस है, क्या तरीके हैं, और इसकी एक और क्लास आएगी जिसमें हम लोग मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग कैसे कैसे हुई है। उसमें सिंगापुर मीटिंग के बारे में बात करेंगे, हांगकांग मीटिंग के बारे में बात करेंगे, नैरोबी के बारे में बात करेंगे, दोहा एंड ऑल दैट, बहुत सारे मीटिंग के बारे में हमें बात करना है। तो काफी कुछ स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्पेशल है और इनका आप यूज कर सकते हैं अपने UPSC की प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करने के लिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो दिस वॉज द लास्ट क्लास जहां पर हम लोगों ने WTO के इवोल्यूशन से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में चीजें देखी थी। सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। WTO के गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, फिर हम लोगों ने देखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक प्रिंसिपल एंड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में, SND ट्रीटमेंट के बारे में, तो कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसी को कंटिन्यू करते हैं और अभी हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे अपने टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल मूव टू गैट्स, GATS, सर्विस के लिए जो हमारा ट्रेड, मतलब सर्विस के ट्रेड के लिए जो हमारी एग्रीमेंट हो रखी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ये देखिए जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये आई थी 1994 में। ईयर याद रखने की जरूरत है, आपसे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। इट एम टू रिमूव ट्रेड बैरियर एंड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट। इट हैज 3 पिलर्स, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड मार्केट एक्सेस। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये चीज है आपको समझने के लिए कि आखिर में एग्रीकल्चर के लिए एग्रीमेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब यहां पर देखिए हमारे पास डिफरेंट तरीके की कंट्रीज है। डिफरेंट कंट्रीज में हमारे पास जैसे एक कंट्री मान लेते हैं हम लोग कि चाइना है, दूसरी कंट्री मान लेते हैं कि USA है और तीसरी कंट्री मान लेते हैं कि हम लोग इंडिया है। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। अब देखिए अगर इन तीनों कंट्री में अगर बात करें तो चाइना में राइस, इसके अलावा शुगर केन, इसके अलावा टी, इसके अलावा फ्रूट्स एटसेट्रा, ये सब काफी ज्यादा होती है। ये सब इनफैक्ट टॉप पोजीशंस में ये होल्ड कर रहा होता है। इनफैक्ट शुगर केन में थोड़ा पीछे है लेकिन बाकियों में टॉप पे आता है। US में अगर बात करें तो देखिए वीट, सीरियल्स, इसमें ये टॉप पर आता है। इंडिया में अगर बात करें तो ये राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे सीरियल हो, चाहे पल्स हो, चाहे ऑयल सीड हो, चाहे कुछ भी हो, ये टॉप 2 पोजीशन में आती है, या तो 1 आएगी या 2nd आएगी, एट मैक्स 3 जा रही होती है। तो बेसिकली इन तीनों कंट्री में अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छी पोजीशन इंडिया की है और उसके बाद से कह सकते हैं कि चाइना की है और लास्ट पोजीशन आप बोल सकते हैं कि USA की है। लेकिन इन दोनों में USA एक डेवलप्ड नेशन है और बाकी के दोनों डेवलपिंग नेशन है। दीज टू आर डेवलपिंग नेशंस, ये डेवलपिंग है, ये भी हमारा डेवलपिंग है। अब ऑब्वियसली क्या होगा, चाइना जब भी अपने मार्केट को, जब भी अपने फूड प्रोड्यूस को USA भेजेगा तो US में डिक्लाइन दैट एक्सपोर्ट, तो US में, US हो सकता है कि जो भी प्रोड्यूस आए उसको या तो वो कोटा निर्धारित कर दे रहा हो या फिर वो इस चीज को रोक दे रहा हो, खत्म कर दे रहा हो। WTO बोलता है कि आप रोक नहीं सकते अगर कोई भी बंदा इस तरीके से आपका सामान इस तरीके से एक्सपोर्ट अगर करके रखा हुआ है। सिमिलर नेचर हमें इंडिया के साथ भी देखने को मिल सकता है, ये सारा काम इस तरीके से कर सकती है, तो यहां पर भी ये इसको रोक सकता है या फिर कोटा लगा सकता है। तो इस कारण से इनके ऊपर में एक एग्रीमेंट करना काफी जरूरी हो गया और इस एग्रीमेंट के नाम पर ही हम लोग 1994 में एग्रीकल्चर पर भी एग्रीमेंट लेकर के आए, जैसे ही हमारा WTO एग्जिस्टेंस में आ गया। वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे आखिर में क्या कुछ प्रॉब्लम है और क्यों आखिर में एग्रीमेंट किया गया। सबसे पहले आती है हमारी डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए डोमेस्टिक सपोर्ट रेफर्स टू डोमेस्टिक सब्सिडीज दैट अ गवर्नमेंट प्रोवाइड अ फार्मर सच एज फर्टिलाइजर एंड ऑल दैट। यहां पर इन लोगों ने तीन तरीके से डिवाइड करके रखा है, एक है ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। अभी आपको ग्रीन, ब्लू और एम्बर इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी आखिर में क्या चीज है। देखिए
सबसे पहले इशू को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंट्री है, पता नहीं डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। अच्छा, WTO में आप ये समझ लीजिए कि डेवलपिंग, डेवलप्ड और डेवलपिंग, दिस इज डेवलपिंग, दिस इज डेवलप्ड, और एक कंट्री होती है जिसको बोला जाता है कि लीस्ट डेवलप्ड है, दिस इज लीस्ट डेवलप्ड। क्वेश्चन ये होता है इनके डिमार्केशन, मतलब किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, कोई भी कंट्री, सपोज ये कंट्री आ रही है, मान लेते हैं कि ये चाइना है, सपोज ये चाइना है और ये आ रही है WTO के पास, कह रही है कि मुझे मेंबरशिप दे दो। WTO कहेगा ले लो। WTO पूछेगा फिर कि आप अपने आप को इन तीन में से किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। तो चाइना बोलेगा इसका क्या मतलब है, WTO बोलेगा देखिए लीस्ट डेवलप्ड की तो हमारे पास अपनी खुद की एक डेफिनेशन है, और अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन यू आर नॉट फाइंडिंग अ प्लेस इन दैट लीस्ट डेवलप्ड नेशन। तो आप इस लीस्ट डेवलप्ड में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहां पर फूड की, न्यूट्रिशन की, पॉवर्टी की और कुछ कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर की लेने के बाद हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं कंट्रीज को। तो आप यहां पर तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो अफ्रीकन की कंट्रीज है वही आप आ रही होती हैं। तो यू हैव टू चांस, ईदर टू गेट अ प्लेस इन डेवलपिंग और गेट अ प्लेस इन डेवलप्ड नेशन। तो अब चाइना बोलेगा कि यार क्या मैं दोनों में से किसी एक में चूज कर सकता हूं। WTO बोलेगा बिल्कुल, आप या तो डेवलपिंग में कर सकते हैं या फिर डेवलप्ड में कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं। यानी यहां पर देयर इज नो एज सच कॉन्क्रीट नॉर्म फॉर डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन, दोनों के बीच में कोई कॉन्क्रीट नॉर्म नहीं है। कंट्री चाहे तो डेवलप्ड में भी जा सकती है और कंट्री चाहे तो डेवलपिंग में भी जा सकती है। सीधी सी बात है कि कंट्री को डेवलप्ड कोटा लेने में दिक्कत है, क्योंकि डेवलप्ड से उसको फायदा कुछ खास नहीं होगा, डेवलपिंग लेने से उसको सेफगार्ड मैकेनिज्म मिल जाएगा, और इसी वजह से कंट्री चाहेंगी कि वो डेवलपिंग में फटाफट अपने आप को इंटीग्रेट कर ले। तो हो सकता है जैसे चाइना है, चाइना हमें पता है कि ये डेवलपिंग अब नहीं रह गया है, ये अब डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ चुका है। सपोज चाइना जाता और कहता है कि नहीं मुझे डेवलपिंग में रहना है, तो फिर यहां पर जो पहले से मेंबर नेशंस हैं, मेंबर नेशन अगर इनमें से ये बोल दिए कंसेंसस के दौरान में, अगर ये कंसेंसस के दौरान में ये बोल दिए कि यार चाइना जो क्लेम कर रहा है वो गलत क्लेम कर रहा है, तो WTO क्या करेगा कि चाइना को उठा करके डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन में डाल देगा। क्यों? क्योंकि मेंबर नेशन ने यहां पर एक कंसेंसस के दौरान में इसको रोक दिया है, कंसेंसस के दौरान में ये अगेंस्ट में वोट किया है कि डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड में रहना चाहिए। तो दिस इज हाउ कंट्रीज आर डिमार्केटेड, कंट्रीज आर क्लासिफाइड एज डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो ये कंट्री के ऊपर होता है और मेंबर कंट्री जो है उनके कहने पर होता है, उनके कंसेंसस के द्वारा होता है। समझ में आ गया डेवलपिंग, डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड किस तरीके से क्लासिफाई हो रहे होते हैं। चलिए खैर, तो ये आपको एक क्लैरिटी आ गई। अब हम लोग वापस आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे, अपने एग्रीकल्चर के डिस्कशन पे। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक कंट्री, मान लेते हैं इंडिया, ये सपोज इंडिया में जो हमारे फार्मर है वो फार्मर देखिए कितने तरीके से सब्सिडी पाते हैं। एक सब्सिडी पाते हैं जो इनपुट सब्सिडी होती है, और दूसरी सब्सिडी होती है जिसको बुलाता है आउटपुट सब्सिडी। इसका मतलब क्या है? इनपुट सब्सिडी का मतलब ये है कि फार्मर अभी अपना फार्मिंग किया नहीं है, वो फार्मिंग अभी कर रहा है या करने वाला है, उस दौरान में जितनी भी सब्सिडी दी जाती है, जैसे यूरिया पे सब्सिडी हो गया, या कह सकते हैं फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो गई, या फिर इंश्योरेंस की सब्सिडी हो गई, या फिर सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया, या फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो गया, या फिर इरिगेशन बेनिफिट हो गया, तो ये जितने भी तरीके की यहां पर कह लीजिए कि सब्सिडीज दी जा रही हैं, वो सारी सब्सिडी को बोला जाता है इनपुट सब्सिडीज। दीज आर इनपुट सब्सिडीज, और ये अल्टीमेटली क्या कर रही है, किसानों का जो कह लीजिए मॉरल है, जो इनका डेवलपमेंट है, वो बूस्ट कर रही है। तो बेसिकली दिस इज R&D ऑन एग्रीकल्चर, ये R&D ऑन एग्रीकल्चर हो रही है। तो ये इनपुट टाइप की सब्सिडी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि यहां से आपने फॉर्म के प्रोड्यूस में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं किया है, यू आर इंटरफियरिंग इनडायरेक्टली, और आप जो है फार्मर को इतना कैपेबल बना रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस बना पाए, निकाल पाए, यील्ड अच्छी कर पाए। तो यहां पर आपने आउटपुट को आपने केवल और केवल इनडायरेक्ट वे में इंटरफियर किया है। दूसरी होती है जिसको बोला जाता है कि आउटपुट बेस्ड सब्सिडी। अब ये क्या होती है आउटपुट बेस्ड सब्सिडी, जैसे जो हमारे MSP है या हमारी प्रोक्योरमेंट प्राइस है, दिस इज PP प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस या फिर ये जो MSP है, ये बेसिकली कहलाती है आउटपुट प्राइस। क्यों? क्योंकि आप हार्वेस्ट के बाद तब जा करके आप प्रोक्योर कर रहे हैं, और प्रोक्योर करने के दौरान में
आप जो प्राइस है जो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलनी चाहिए थी उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं और मॉडिफाई करके आप ट्रेड डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली ट्रेड डिस्टॉर्शन. ट्रेड को आप खराब कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में अब सीधी सी बात है एमएसपी पे अगर एमएसपी पे गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करके रखा हुआ है तो इसी एमएसपी के बेसिस पे ये एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे और एक्सपोर्ट करने के दौरान में चूंकि डिमांड सप्लाई से आया नहीं है तो इसकी जो प्राइस है वो सही प्राइस डिसाइडेड नहीं है, जिसके कारण से जब भी ये फॉरेन मार्केट में जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर ट्रेड को डिस्टॉर्शन करेगा क्योंकि ये रेगुलेटेड प्राइस है. क्लियर हो गया क्या चीज है? तो बेसिकली यहां पर दो तरीके की सब्सिडीज हो जाती है, वन हो जाती है इंपोर्ट सब्सिडी और दूसरी हो जाती है हमारी आउटपुट सब्सिडी. तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि देखिए डोमेस्टिक सपोर्ट का मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक सब्सिडीज दी जा रही होती है दैट ए गवर्नमेंट प्रोवाइड टू अ फार्मर सच एज फर्टिलाइजर पावर एटसेट्रा. इन सब्सिडीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक बोला गया है जो ग्रीन बॉक्स है, दूसरी बोली गई है एम्बर बॉक्स और तीसरी है जिसको ब्लू बॉक्स बोला गया है. एम्बर मतलब ऑरेंज कलर, दिस इज ऑरेंज. ठीक है, अब देखिए जो ग्रीन बॉक्स होती है वो बेसिकली होता है जो प्रोडक्शन को आप मतलब कि फार्मर को आप कैपेबल बना रहे हैं, यानी दिस इज बेसिकली इनपुट टाइप की सब्सिडी जहां पर आप फार्मिंग को और ज्यादा कंपटीटिव और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इसको बोलाता है ग्रीन बॉक्स. जहां पर आप ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड को और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इट इंक्लूड सब्सिडी ऑन विच देर आर नो लिमिट्स एज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड और दे मिनिमली डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड. दीज सब्सिडीज मस्ट बी गवर्नमेंट फंडेड. दीज सब्सिडीज आर इन जनरल नॉट डायरेक्टेड एट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डायरेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि फॉर्म पे प्रोडक्टेड होते हैं. एज दे मे इंक्लूड सम सपोर्ट दैट इज डीकबल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन लेवल और प्राइस. जैसे तेलंगाना की एक स्कीम थी जिसका नाम था तेलंगाना रियुधु बंधु स्कीम. क्लियर हो गया क्या है तेलंगाना रियुधु बंधु स्कीम? मतलब इसमें क्या था, जैसे एक तरीके से कह लीजिए कि यहां पर फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा था ताकि ये लोग अपने हिसाब से जो भी फर्टिलाइजर खरीदना है वो खरीद ले, जो भी सॉइल खरीदनी है मतलब जो भी एचवाईवी सीड हाइब्रिड वैरायटी की सीड खरीदनी है वो खरीद ले. तो यहां पर जैसे समझ लीजिए एक तरीके से कि 6000 रुपए फार्मर को दे दिए जा रहे हैं. नाउ फार्मर को बोल दिया जा रहा है कि तुम जाओ और आराम से अपने हिसाब से जो भी चीज खरीदनी है वो खरीद लो और अपना हिसाब से अपना प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दो. तो ये बेसिकली थी ग्रीन बॉक्स स्कीम जहां पर प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन को और ज्यादा अच्छे तरीके से करने की बात कही गई है. क्लियर हो गया क्या चीज है? अब इसके बाद से जरा हम लोग देखते हैं ब्लू बॉक्स के बारे में. व्हाट इज ब्लू बॉक्स? दीज आर डायरेक्ट पेमेंट अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम. देयर इज नो लिमिट एज सच. क्या चीज है ये, अब जरा ध्यान से समझिएगा. फिलहाल अभी एक स्कीम आई हुई है जिस स्कीम में कंपनसेशन दिया जाता है. कंपनसेशन, अब ये कंपनसेशन स्कीम क्या है? कंपनसेशन स्कीम का मतलब ये है गवर्नमेंट बोलती है कि यार एक काम करो, We are announcing MSP of different products, different crops. लेकिन you have option to go to the market and sell your crops in the market based on the price which is being derived through demand and supply. तो demand and supply के basis पे जो भी price decide हुई है उसी हिसाब से आप अपनी market में अपनी जो भी crop है जो भी yield है उसको आप बेच दीजिए. Suppose MSP decided है 100 रुपए का, मान लेते हैं 100 रुपए का decided है. डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो भी प्राइस वैल्यू आ रही है ऑब्वियसली मिडिल मैन रहेंगे तो पैसा जो है वो कम हो जाएगा. कम होने के कारण से मान लीजिए केवल और केवल 60 रुपए इनको मार्केट में मिला तो देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 40 रुपीज, 40 रुपए कम है. तो गवर्नमेंट कहती है कि आप एक काम करिए, आप जितना भी कमाए मतलब जितने में भी बेचे हैं उसकी आप रसीद लेके आइए और जितना भी एमएसपी से वो कम रहेगा वी विल प्रोवाइड यू, हम लोग उसे दे देंगे. इस तरीके की चीजों को बोलते हैं कि आप जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है एमएसपी और डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो भी प्राइस डिसाइड हुआ उस दोनों में जो गैप है जो डिफरेंस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा थ्रू एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. तो यहां पर भी अगेन देखिए ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं किया गया, यहां पर मार्केट में चीजों को पहुंचा दी गई लेकिन डायरेक्ट पेमेंट किया जा रहा है अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत. और ये ट्रेड डिस्टॉर्शन का एक टाइप ही है बट एक्चुअल में ट्रेड डिस्टॉर्शन पूरी तरीके से नहीं किया गया क्योंकि यहां पर हाफ वे प्रोडक्शन हाफ वे डिस्टॉर्शन हो रही है. इसको बोला जाता है ब्लू बॉक्स जहां पर आपकी जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो इस तरीके से दी जा रही है जिससे कि ट्रेड पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड नहीं है लेकिन सम सॉर्ट ऑफ यहां पर इंफ्लुएंस हो जा रहा होता है. नेक्स्ट आती है हमारी जिसको बोलाता है एम्बर बॉक्स और ये होती है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग यानी ट्रेड को ये खराब कर रही है. इसका मतलब क्या है, जैसे एमएसपी
एमएसपी देना ही अपने आप में ट्रेड डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तरीके से प्रोडक्शन को या फिर कुछ ना कुछ तरीके से मार्केट को डिस्टॉर्ट कर दे रही होती है, डिमांड एंड सप्लाई यहां पर नहीं आ पाती है। दी सब्सिडी कवर ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर कंसिडर टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, दीज आर रिक्वायर टू बी मेंटेन विद इन 5-10% ऑफ प्रोडक्शन, 5% फॉर डेवलप्ड एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्री। अब इसका मतलब क्या है, अगेन जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। देखिए एम्बर बॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर बोला गया कि देखिए ये जो आप एमएसपी टाइप की चीज यहां पर डिसाइड कर दे रहे होते हैं जिससे कि मार्केट हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है, मार्केट हमारा खराब हो जाता है, इसको करना क्या है, ये डिस्कस किया गया बाली समिट में। बाली समिट हम लोग जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम लोग बाली समिट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाली समिट में अगेन डेवलप्ड नेशन ने ये बात उठाई कि डेवलपिंग नेशन यार जो है वो एमएसपी टाइप की चीजें दे दे रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारे तरफ जब भी हमारे जब भी प्रोडक्ट पहुंचते हैं मार्केट में तो वो यहां पर कंपटीटिव नहीं हो पाते हैं। साथ में जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है इन लोगों के द्वारा हमारे यहां पे, तो फटाफट जो होता है सस्ते होने के कारण लोगों के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कंपटीटिव नहीं है, बट स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग एनफ टू सब्सिडीज टू आवर फार्मर्स, बट ये वाली जो प्राइस है, जो हमारे यहाँ की प्राइस है, मतलब जो डेवलप्ड वालों की प्राइस है, वो डेवलपिंग वाले लोगों के प्राइस के बराबर नहीं आ पा रही है, और इसलिए डेवलपिंग के जो है जो प्रोड्यूस है वो हमारे मार्केट में डेवलप्ड के मार्केट में ज्यादा ही अट्रैक्शन पा जा रहे हैं। तो बाली समिट में बोला गया कि देखिए इस तरीके की एमएसपी की जो प्रैक्टिस की जा रही है ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ट्रेड डिस्टॉर्शन है। तो इसमें इन्होंने कहा, डेवलपिंग ने कहा, तो हम क्या करें बताओ, हमारे यहाँ के फार्मर गरीब है, उनको वेलफेयर देना जरूरी है। तो यहां पर कंसेंसस के दौरान में ये निकला कि यार एक काम करिए, अगर सपोज आपकी टोटल प्रोडक्शन में मान लेते हैं कि 100 रुपीज आ रही है, एक फार्मर की टोटल प्रोडक्शन 100 रुपीज अगर आ रही है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये 100 नहीं होगी ऑब्वियसली, 1 लाख 2 लाख इस तरीके से होगी, 20 लाख। तो सपोज ये अगर 1 लाख रुपए आ रही है, एक काम करते हैं इसको 1 लाख ही कर देते हैं, 1 लाख रुपए मान लेते हैं अगर आ रही है प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन 1 लाख आ रही है, तो आप अगर आप डेवलपिंग हैं, इफ यू आर इन अ डेवलपिंग नेशन, तो आप 10% सब्सिडी दे सकते हैं। 10% सब्सिडी किसका दे सकते हैं, इसी 1 लाख का, टोटल प्रोडक्शन का 1 लाख का आप 10% दे सकते हैं, यानी 10,000 रुपीज आप सब्सिडी इनको दे सकते हैं। अगर आप डेवलप्ड नेशन में है तो आप केवल और केवल 5% सब्सिडी देंगे, या केवल और केवल आप बोल सकते हैं कि 5,000 की आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं टू दीज फार्मर्स, और ये बोला गया बाली समिट में। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये प्रोडक्शन जो है कब का लिया जाएगा, मतलब कुछ एक बेंचमार्क लिया जाएगा कि उसी साल का लिया जाएगा। इसमें बोला गया कि नहीं, देखिए बेंचमार्क लिया जाएगा, और ये बेंचमार्क जो रहेगा वो रहेगा 1986-87 का। अब यहां पे डेवलप्ड वाले तो खुश हो गए, क्यों डेवलप्ड वाले खुश हो गए, क्योंकि उस समय इनका प्रोडक्शन कम था और उस हिसाब से सब्सिडी भी जो होगी इनको फायदा दे देगी, और कुछ खास इनमें अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि डेवलप्ड वाले ऑलरेडी 1986 में भी उतना ही ज्यादा डेवलप कर लिए थे जितना आज की डेट में डेवलप किए हुए हैं। लेकिन जो डेवलपिंग वाले लोग हैं, इस समय 1986-87 में इनकी पोजीशन बहुत खराब थी और कुछ खास यहां पर डेवलपमेंट नहीं था। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज ये डेवलप्ड नेशन है, तो डेवलप्ड नेशन की जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्शन लेवल होगी, वो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए आ रही है, 10 लाख का अगर ये सब्सिडी 10% प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए ये सब्सिडी में प्रोवाइड कर सकते हैं। और वही अगर डेवलपिंग के बारे में बात करें, डेवलपिंग के बारे में, तो यहां पर इनकी 10 लाख है तो इनकी बहुत होगी तो 1 लाख आएगी, तो ये सब्सिडी कितना दे सकते हैं, ये सब्सिडी केवल और केवल 10,000 दे सकते हैं। अब मतलब आपको नियर अबाउट 10% या 10 टाइम्स आपको सब्सिडी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए यहां पर जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच में इशू उठा, और इशू को लेकर के ही डिस्कशन अभी भी चल रहा है, और इसी के दौरान में एसएसएम मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस की जा रही होती है। ये जो पूरा सिस्टम हम लोगों ने बात किया, जहां पर 1986 और रिलेटेड सब्सिडी के बारे में बात किया गया है बाली समिट में, इस पूरे के पूरे क्लॉज को, इस पूरे जो क्लॉज आया है, ये 10% वाली जो क्लॉज आई है, इस क्लॉज को बोला जाता है पीस क्लॉज। समटाइम्स क्वेश्चन में भी आस्क्ड लाइक पीस क्लॉज इज देयर इन द डब्ल्यूटीओ, ये किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे दिस इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ ले पीस क्लॉज किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे कि ये डब्ल्यूटीओ नॉर्म से रिलेटेड है।
बाकी देखिए हम लोग जब बाली समिट बात करेंगे तो वहां पर फिर से मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा और वहां पर फिर से एक बार हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या कुछ किस कंट्री के द्वारा क्या क्या कहा गया। तो एम्बर बॉक्स के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली ये क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं जरा और हम लोग जरा देखते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में। अभी एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, सपोज यूएसए है, दिस इज इकोनॉमी और दिस इज मार्केट ऑफ यूएसए। यहां पर यूएसए में दो तरीके के हैं, एक है जो इनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और दूसरी है जो इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्टेड है, ठीक है। सिमिलरली इंडिया, यहां पर हमारी अगेन डोमेस्टिक है, दिस इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक मान लेते हैं कि इंपोर्टेड है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऑब्वियसली हमारे यहां पर रेगुलेशन काफी ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द डोमेस्टिक प्राइस। कोई भी चीज अगर मान लीजिए 100 रुपीज की है तो वी विल ट्राई टू शो इट 90 रुपीज ओनली, 90 रुपीज दिखाएंगे ताकि जब ये यूएसए के द्वारा इंपोर्ट किया जाए तो इन्होंने क्या है मान लीजिए 10% अपना इन्होंने ड्यूटी भी लगा रखी है तो 99 रुपीज में अवेलेबल हो जाए। 99 मतलब कितना चला गया, नियर अबाउट जो होता है $1.25 $1.3 चला गया। डोमेस्टिक मार्केट में इनकी जो प्राइस होती है वो नियर अबाउट 200 होती है, क्यों, क्योंकि इनकी बेसिक कंडीशन बेसिक वेज ही इतनी हो जाती है। तो इस वजह से क्या होगी कि दिस विल नॉट बी कंपटीटिव नहीं रहेगा। तो इस कारण से जब भी कोई डेवलप्ड नेशन रहेगा वो हमेशा डेवलपिंग नेशन के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन उठाता रहेगा कि जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस में आप लगातार आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहां चेंजेस कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस एंड दिस इज नॉट फेयर अंडर WTO रिजीम। तो इस वजह से लिया जाता है ये एक्सपोर्ट सब्सिडी का पूरा फंडा अपने WTO में आ जा रहा होता है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडी आर टू बी लिमिटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज इधर इन वैल्यू और वॉल्यूम टर्म। अब जरा यहां पर भी समझिए एक और चीज, एज पार्ट ऑफ रिजल्ट यूएस क्या करेगा, अपनी पॉलिसी को थोड़ी प्रोटेक्शनिस्ट के तरफ लेकर के जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने 1929 वाले वीडियो में देखा था, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को लेकर जाएगा और करेगा क्या कि अपनी जो ये कस्टम ड्यूटी है इसको इंक्रीज करके 10 टाइम्स वाली जो चीज है उसको हो सकता है 100 टाइम्स कर दे और इस तरीके से जो चीज 90 रुपीज की है वो 180 रुपीज में तब्दील हो जाएगी। अब ये 180 और 200 अब ये कंपिटिटिव हो गया, अब यहां पर लोग स्वदेशी की तरफ चले जाएंगे और हो सकता है यूएस वाले 200 वाली चीज को खरीदना शुरू कर दें। दिस इज प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, दिस इज वन ऑप्शन जो कि नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये टैक्सेस को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। दूसरी पॉलिसी हो सकती है कोटा निर्धारित करने का। कोटा का मतलब कि अगर हम वीट को मान लेते हैं कि हम इंपोर्ट कर भी रहे हैं तो केवल और केवल 10% 20% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट या फिर टोटल प्रोडक्शन का ही हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो होता है डोमेस्टिक मान लेते हैं कि प्रोडक्शन हुई है वन एकड़ की जो प्रोडक्शन हो रही है मान लेते हैं 1 टन की है तो हम लोग केवल और केवल 1 टन का 10% ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके के कोटा भी लगाए जा सकते हैं डेवलप्ड नेशन के द्वारा, क्योंकि डेवलप्ड नेशन में ऑब्वियसली जो प्रोड्यूस होगी वो रिलेटिवली महंगी होगी एज कंपेयर टू जो डेवलपिंग होगी, क्योंकि यहां पर देखिए लेबर काफी चीप होता है और यहां पर लेबर की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो काफी कुछ हो गया, आर्ग्यूमेंट आप समझ गए होंगे। इधर इन वैल्यू और वॉल्यूम टर्म सो दैट इंटरनेशनल प्राइसेस आर नॉट लोअर्ड बिलो ए पॉइंट एंड एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्री आर नॉट प्राइस्ड आउट। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है, ये पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट में ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और कोटा का जो रेजिम इन लोगों ने फॉलो किया, जब इसका क्रिटिसिज्म किया गया, इसको अगेंस्ट में किया गया, तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन निकल के आया था ये हुआ था हमारे नैरोबी मीटिंग में। दिस इज नैरोबी मीटिंग, अगेन हम लोग बात करेंगे नैरोबी मीटिंग में क्या कुछ हुआ था 2015 में, बात करेंगे यहां पर क्या चीजें हुई थी, क्या चीज कैसे किया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर के हुआ। क्लियर हो गया क्या एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब क्या है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी मार्केट एक्सेस से रिलेटेड चीजें। मार्केट एक्सेस का मतलब यह हो गया कि हाउ द मार्केट इज इजी टू एक्सेस, कितना एक्सेस आसान है। यहां पर क्या मतलब है, कितना ज्यादा हम ट्रेड एंड टैरिफ लगा सकते हैं, कितना ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं। तो इट मींस ऑल द मेंबर कंट्रीज शुड ओपन देयर डोमेस्टिक मार्केट टू एग्रीकल्चर इंपोर्ट बाय रिड्यूसिंग ऑफ टैरिफ एंड रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। यहां पर टैरिफिकेशन के बारे में बात की गई है, टू कन्वर्ट नॉन टैरिफ बैरियर लाइक कोटा टू टैरिफ, यानी कि अगर आप 10% अगर कोटा लगा के रखे हैं तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए और कस्टम ड्यूटी को भले थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए। मतलब बेसिकली आपको मार्केट एक्सेस देनी है किसी भी तरीके से, चाहे वो आप कोटा हटा करके टैक्स में बढ़ोतरी करके दे रहे हो या फिर ऐसे ही आप मार्केट को ओपन कर दे रहे हो।
बाइंड देयर टैरिफ टू एग्री टू अ लिमिट दैट इज बाउंडेड रेट एंड नॉट इंक्रीज द रेट बियॉन्ड देम। और ये टैरिफ भी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो एक समय तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज दैट देन दैट विल बी ट्रेड डिस्टॉर्शन। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, देखिए हर एक कंट्री चाहती है अपना फायदा करना, और जबकि WTO जो है वो सबका फायदा कराने पर लगी रहती है, तो आपस में हर चीज पे तो हर एक कंट्री का फायदा हो नहीं सकता है, कुछ चीजों पे फायदा होगा तो कुछ चीजों पे नुकसान होगा। जैसे इंडिया के केस में अगर बात करें, इंडिया को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काफी फायदा हो जाता है, लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीजों में फिर उनको दिक्कत हो जाती है। सर्विसेज में अगर इंडिया को काफी फायदा हो जाता है तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजों में इनको काफी ज्यादा लॉसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें सामने आ रही होती हैं, जबकि सर्विसेज में बाकी की जो कंट्रीज है उनको लॉसेस है, हम लोगों को वहां पर काफी फायदा हो जा रहा होता है। तो अगेन जो होती है यहां पर मिक्स स्ट्रक्चर है, और ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि किसी के भी एक फेवर्ड में केवल ना चला जाए, बायसनेस ना रहा है, ये केवल और केवल वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात किया जाए। नेक्स्ट आती है हमारी स्पेशल प्रोडक्ट। ये स्पेशल प्रोडक्ट का जो डिस्कशन है ये हुआ था 2005 में, जब हांगकांग मीटिंग हुई थी। हांगकांग मीटिंग में अगेन हम लोग बात करेंगे जब हांगकांग मीटिंग के बारे में, तो वहां पर आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें क्या चीज है, लेकिन फिलहाल जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू फार्मिंग कम्युनिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर रीजन ऑफ फूड सप्लाई। तो यहां पर बेसिकली क्या है जो बातें हो रही है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या चीज है। सपोज वी हैव स्कीम मनरेगा, मनरेगा है, और मान लेते हैं कि इसको अब हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, मनरेगा को हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, जस्ट समझने के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। मनरेगा में क्या होता है, काम करिए चाहे ना करिए आपको एक निश्चित अमाउंट, निश्चित पैसा देना होता है, और ये क्या हो गया एक तरीके से लेबर मार्केट का, लेबर का कह लीजिए कि यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये लेबर एक तरीके से काफी चीप लेबर है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे यहाँ के जो लेबर की प्राइस है वो 1986-87 के बेसिस पे डिसाइड हो रही होती है, यानी ये काफी चीप लेबर है, और इस चीप लेबर के थ्रू जो प्रोडक्ट भी निकल करके आएगा वो भी ऑब्वियसली चीप ही होगा, और इस कारण से एक स्पेशल प्रोडक्ट को लेकर के इन्होंने स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया है। आगे बात करते हैं, अभी और क्लैरिटी आएगी क्या चीज है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू फार्मिंग कम्युनिटी इन डेवलपिंग कंट्री फॉर किस चीज के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से जो कुछ कुछ हम लोग एक्शंस लेते हैं, कुछ स्कीम्स ले रहते हैं, इस इट इज रिलेटेड विद फूड सब्सिडी, लाइवलीहुड, सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, देन इट इज परमिटेबल। अब ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, मान लेते हैं लोन वेवर, लोन की माफी, क्या ये फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, सिक्योरिटी या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है? नहीं, दिस इज नॉट रिलेटेड विद दिस, दिस इज पॉलिटिकल अट्रैक्शन, ये पॉलिटिकल अट्रैक्शन है, और इस तरीके से जो यहाँ की जो प्रोड्यूस है या कह लीजिए फार्मर की जो भी चीजें होने वाली हैं वो सही सस्टेनेबल और ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। तो अगर ये लोन वेवर नहीं किया जाता, ऑब्वियसली फार्मर अपनी उस लोन अमाउंट को अपने फार्मिंग प्रैक्टिस में, उस लोन अमाउंट को अपने क्रॉप प्रोड्यूस में एड करके तब वो ट्रेड करता तो प्राइजेस बढ़ी हुई मिलती, लेकिन अगर आप लोन वेवर कर देंगे तो ऑब्वियसली जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी इसकी यील्ड है, उसकी प्राइस घटी हुई रहेगी, क्योंकि उसने अपने इस इंश्योरेंस, अपने इस लोन अमाउंट को यहां पर ऐड नहीं किया है। तो जो लोन वेवर है, दिस इज ट्रेड डिस्टॉर्शन, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिस है, और ये सारा का सारा डिस्कशन हुआ था अपने दोहा डेवलपमेंट राउंड के दौरान में। हांगकांग में तो हुआ ही हुआ, दोहा डेवलपमेंट राउंड में बातें हुई, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट स्पेशल प्रोडक्ट वुड अट्रैक्ट लोअर लेवल ऑफ टैरिफ रिडक्शन। तो यहां पर जो लो मतलब कि आपका टैरिफ रिडक्शन है वो काफी कम किया जाएगा, लोअर रखा जाएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज कमिटमेंट दैट अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सो एज टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। चलिए खैर, तो स्पेशल प्रोडक्ट रेजीम इज अ कंडक्ट कंपोनेंट ऑफ WTO स्पेशल एंड डिफरेंशियल प्रोविजन एंड इज अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्री ओनली मेंबर ऑफ WTO। तो यहां पर जहां पर भी फूड की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो या फिर लाइवलीहुड की प्रॉब्लम हो, इन सब की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर हम लोग इस तरीके के मैकेनिज्म कर सकते हैं, ये सब कोई ट्रेड डिस्टॉर्शन में नहीं आएगा। द करंट डिस्कशन ओवर स्पेशल प्रोडक्ट आर मेनली फोकस ऑन दो चीजों पे, कौन कौन सी, एक तो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी गिवन स्पेशल प्रोडक्ट स्टेटस, किन किन को दिए जाना है, जिसपे ये पूरा डिस्कशन इस समय चल रहा है, और दूसरा चल रहा है इस समय की मोडालिटीज टू सेलेक्ट, क्या क्या वो ऐसे पैरामीटर होंगे, क्या क्या मोड होंगे जिसके थ्रू हम लोग इस स्पेशल प्रोडक्ट को चुन रहे होंगे।
कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट होने वाले हैं या कहां पर क्या प्रोडक्ट रहेंगे, इन सब चीजों में बेसिकली अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे हम लोग जीएसटी में बात करते हैं कि 5% स्लैब में किसको रखना है, 12% में किसको रखना है, 18% में किसको रखना है, उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है कि स्पेशल प्रोडक्ट हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे जो इस कैटेगरी में रखेंगे, जहां पर ये सारी प्रक्रियाएं चल रही होंगी, ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग वहां पे अलाउ कर रहे होंगे। आगे बात करें तो देखिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म या इसी को बोलते हैं SSM। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है इंडिया, अगर इंडिया में ऑब्वियसली डोमेस्टिक मार्केट भी है, डोमेस्टिक मार्केट जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप हो रहा है, और दूसरा हो जाएगा जो इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट ये रोक सकते नहीं है क्योंकि WTO की नॉर्म वही इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए अगर इंटरनेशनल मार्केट हमारे इंडिया में आकर के फ्लडिंग अगर कर देता है, काफी अगर ज्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो इंटरनेशनल मार्केट की कोई भी सामान रहेगी वो रिलेटिवली चीप होगी एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट, सस्ती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं कि यहां का मोबाइल है, सपोज इंडिया का मोबाइल है माइक्रोमैक्स, ये भी 5000 में आ रहा है। जो यहां का मोबाइल है MI वो भी 5000 में आ रहा है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। ऑब्वियसली nobody इज गोइंग टू बाई दिस, nobody इज गोइंग टू परचेज दिस माइक्रोमैक्स, सब लोग के सब लोग MI को परचेज कर लेंगे, तो डोमेस्टिक मार्केट तो वैसे ही खत्म हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक मोबाइल आता है लावा, अब लावा मोबाइल को कोई नहीं खरीद रहा है, सारे के सारे लोग जो भी लावा खरीदते भी हैं वो छोटा वाला मोबाइल खरीदते हैं जो कि 1000-2000 रुपीज की आ रही होती है, और जितने भी लोग मल्टीमीडिया या बड़े मोबाइल लेना चाहते हैं वो सारे लोग इंटरनेशनल ब्रांड की ओर चले जा रहे होते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट तो वैसे ही खराब हो गया। तो इसके लिए क्या होती है, टू मेक द सिस्टम मोर कॉम्पिटिटिव और डोमेस्टिक मार्केट को थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने के लिए होता क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट पे हम एक्स्ट्रा सेफगार्ड मैकेनिज्म लगा सकते हैं, SSM लगा सकते हैं। SSM लगाने का मतलब आप एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकते हैं, सामान को थोड़ा महंगा कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो बेसिकली तीन तरीके की ड्यूटी यूज होती है। एक होता है जिसको बोला जाता है सेफगार्ड मैकेनिज्म, वन इज सेफगार्ड मैकेनिज्म या सेफगार्ड ड्यूटी बोल सकते हैं इसको, दूसरी होती है जिसको बोला जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, और तीसरी होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है उसी को बुलाता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। समझ लेते हैं क्या चीज है। SSM इज ट्रेड डिफेंस मैकेनिज्म टू एसेंशियली काउंटर द वोलेटिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस। SSM प्रोविजंस आर अवेलेबल टू ऑल डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मेंबर्स ऑफ WTO। मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट नैरोबी 15 रिकॉग्नाइज दैट डेवलपिंग मेंबर्स विल हैव द राइट टू टेम्पररली इंक्रीज टैरिफ इन फेस ऑफ इंपोर्ट सर्ज By using SSM, तो इंपोर्ट के पैसे को, इंपोर्ट की जो भी मनी है, सर्ज है, उसको बढ़ा करके SSM mechanism यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है ये? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ज्वाइन करिए, अपने डाउट्स को रेज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।